देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने धूप में भी सुखा लिया था और इसे मैं बोरा में भर के रखा हुआ हूँ। तो अब ये क्या करे, बहुत ही अच्छे ब्रीडर प्यारे सब इसमें, ये देखिए ये एक से और ऊपर। दोस्तों मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आसनसोल बर्ड फार्म। तो गाइस आज मैं जावा बर्ड के बारे में बताऊंगा, आज का जो टॉपिक है वो है जावा बर्ड के ऊपर। तो आज मैं सारे जावा बर्ड को मटकी दूंगा क्योंकि इन लोगों को काफी दिनों से मैं रेस्ट दे चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक जावा और नीचे यहाँ पे मैं रखा हुआ व्हाइट जावा, जो मैं लंबे टाइम से इसे अभी रेस्ट दिया हूँ। और अगस्त आ चुका और बारिश भी काफी हो रहा है, मौसम बहुत ही ज्यादा ठंड हो चुका है। तो मैं सारे जावा बर्ड को नेस्टिंग दूंगा और मैं किस तरह देता हूँ आप लोगों को वीडियो में शेयर करता हूँ। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं किस तरह से नेस्टिंग देता हूँ और कैसे कैसे सारे जावा बर्ड को मैं मटकी दे रहा हूँ, तो आप देखिए हमारे वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं समर के सीजन में गर्मियों में ये मैं यहाँ पे मटकी रख दिया था क्योंकि ये लोगों को रेस्ट देना था, तो मैं सारे मटकी यहाँ पे रख दिया हूँ। तो यही मटकी को मैं अच्छे से मैं साफ कर लूंगा और उसके बाद में फिर सारे जावा बर्ड को इसी में नेस्टिंग करके सारे बर्ड को इस्तेमाल मैं दे दूंगा। तो आप देखिए ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे इन लोगों का सारा मटकी यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें अब नेस्टिंग को देना है। तो मैं एक एक करके सारे ये मटकी है मैं निकाल लेता हूँ। ये लक्ष्मण रेखा है जो मैं सारे मटकी के अंदर मैं ये इस तरह से दे दूंगा ताकि जो भी कीड़ा मकौड़ा हो वो अंदर में मर जाएगी, ताकि जो भी नेस्टिंग हो, ये देख सकते हैं अब इसके ऊपर मैं नेस्टिंग दूंगा। ये देखिए इसी तरह मैं सब में कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा घास है जो मैं, जो एकदम सॉफ्ट घास होता है वो मैं देता हूँ, क्योंकि ये जिस तरह भी जावा उतना ताकतवर होती नहीं है, जो आप अगर हार्ड घास दे देंगे तो वो सेटिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो इसके लिए आप सबसे सॉफ्ट घास दें। ये देखिए ये कितने जल्दी नेस्टिंग मुकम्मल हो जाता है, इसके लिए मैं सॉफ्ट देता हूँ। और सबसे पहले जहाँ से भी आप घास लाए तो उसे धूप में सुखा कर इस तरह से रख लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने धूप में भी सुखा लिया था और इसे मैं बोरा में भर के रखा हुआ हूँ। तो अब एक एक करके सारे मटकी में इसी तरह मैं दे दूंगा। ये देखिए कितनी आसान, क्योंकि जावा बर्ड जो होते हैं उसे नेस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप नेस्टिंग नहीं देंगे तो ये सही से कभी भी अंडे बच्चे नहीं करेंगे और आपके पास ब्रीड आने का बहुत ही कम चांस होता है, कि इसके लिए आप इसे नेस्टिंग जरूर दें। तो मैं इस तरह से नेस्टिंग दे दूंगा, तो देखिएगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो किस तरह से अंडे बच्चे। इसी में आप देखेंगे कि 8 अंडे 10 अंडे करके मेरे जो सारे जावा बर्ड है वो देंगे, क्योंकि मैं इसे लंबा रेस्ट दिया हूँ। तो रेस्ट के बाद ये लोग अच्छे ब्रीडिंग करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, अब ये वाला जो हांडी है मैं इसमें दे दूंगा। तो सबसे पहले इस तरह से इसे रख लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए। इसीलिए दो गेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट मैं रखता हूँ, ताकि जो बड़ा गेट है इसीलिए हांडी जो है ये आराम से मटकी चला गया, और नहीं तो ये देखिए गाइस। तो इस तरह से अगर आप तार बांधे हुए रखेंगे तो काफ़ी आसानी होता है लगाने में। ये देखिए कितना आसान से ये लग जा रहा है। तो मैं इसको इधर में कर देता हूँ। और एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये देखिए। और ये देख सकते हैं गाइस ये लोग किस तरह से मटकी में बैठे हुए हैं मेरे देते ही।
तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे जो मटके ये मैं दे दिया हूँ, ये अपने सारे जावा बट को, अभी व्हाइट जावा को दिया हूँ, अब मैं ब्लैक जावा बट को दूंगा। और 10 से 15 दिनों में आपको मैं फिर ये भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप दिखाऊंगा कि उसमें अंडे आ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरे बहुत ही अच्छे ब्रीडर पेयर है सब। इसमें ये देखिए, ये एक से तो गाइस अब मैं ब्लैक में दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं मटकी जितने भी है मेरे पास। तो सबसे पहले इसे बड़ा गेट से मैं रख लेता हूँ, इसके बाद तो अब मैं एक एक करके पूरे में लगा दूंगा यहाँ पे जितने मटकी आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे जावा बर्ड में मटकी लगा दिया हूँ। ये देखिए मेरे जो ये ब्लैक जावा है, ये देखिए यहाँ पे और ऊपर व्हाइट जावा देख सकते हैं मेरे। मेरे पास भी इसी तरह का जावा बर्ड आप रखे हुए, तो अभी सीजन है तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं मटकी दिया हूँ तो आप भी इसी तरह नेस्टिंग कर ले और मटकी दे दे। तो गाइस आप मैं बर्ड से रिलेटेड वीडियो इसी तरह का लाता रहता हूँ, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे। तो गाइस मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बर्ड का इसी तरह केयर करें और मुझे दुआओं में याद रख के चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।